ओके आप मैनेज कैसे कर रहे हो इतने सारे ओके और आगे आकांक्षा क्या कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? पहले तो थैंक यू लाइक मोस्ट स्टाइलिस्ट एक्टर सो यू नो जब स्टाइल को लेके कुछ होता है देन आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे लगता है स्टाइल इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी योर एटीट्यूड तो मुझे लग रहा है एटीट्यूड डेफिनेटली इज राइट दैट्स व्हाई आई हैव दिस अवार्ड इन माय हैंड एंड पीपल आर लाइकिंग माय पर्सनालिटी सो थैंक यू ऑल एंड लव यू गाइस साथ ही विशाल कपूर के बारे में क्या कहना चाहोगे यस सो ही इज द डायरेक्टर फॉर दिस अवार्ड एंड थैंक यू विशाल फॉर हैविंग अस हियर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर अपने लोगों को सपोर्ट करना एंड आई एम ग्लैड दैट पिनाश यू नो टुक दिस इनिशिएटिव एंड इट्स ऑलवेज नाइस जब एक्टर्स को और सब क्रिएटर्स को हर किसी को एक रिकॉग्निशन मिलता है सो अवार्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट वन आई थिंक मेरे लिए 2023 बहुत ही अच्छे धमाके के साथ स्टार्ट हुआ एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ सॉन्ग और अमेजिंग रिस्पॉन्स पीपल लव माई एटीट्यूड एंड माई लुक इन द सॉन्ग तो काफ़ी कुछ है इस साल जो मेहनत की है लास्ट ईयर इतने सारा शूट किया है 5-5 सीरीज के लिए अभी बैठ के आराम से देखेंगे इस साल बैक टू बैक रिलीजेस बिग बॉस 16 आप कितना फॉलो कर रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही बट डेफिनेटली कुछ फेवरेट्स जो सबके होते हैं वो मेरे भी हैं आई थिंक प्रियंका एंड शिव आर डूइंग अमेजिंग एंड मुझे लगता है दे डेफिनेटली आर माय टॉप टू लास्ट 2 वीक्स रह गए हैं जी क्या लगता है कौन जीतेगा लाइक आई टोल्ड यू एक दिल करता है शिव ले जाए ट्रॉफी एक दिन लगता है नो यार प्रियंका इज अमेजिंग तो मुझे डेफिनेटली आई वॉन्ट कि इन दोनों में से कोई एक ट्रॉफी लेके जाए या सारे ही बहुत बहुत अच्छे हैं स्पेशली यू नो अर्चना ने इतना कॉन्टेंट दिया है शो में एंड शी इज़ ऑलवेज हमेशा बहुत बेबाक हैं जो है बहुत बोलती हैं अच्छे से एंड MC स्टैन है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं बट आई थिंक ट्रॉफी तो एक ही लेके जाएगा तो आई थिंक डिजर्विंग टू मुझे तो दिख रहे हैं ट्रॉफी के काफ़ी करीब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं एंड मैं काफ़ी क्लियर हूँ इस बार भी लास्ट ईयर भी हमेशा मुझे वाइल्ड कार्ड का या इसका कॉल आता है इस बार भी आया था बट मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ को एक रेस को आधे में मैं जुड़ूँ उस रेस के साथ अगर आपको करना है तो day 1 से करना चाहिए बट डेफिनेटली जब सही टाइम आएगा आई डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट बट ऑब्वियसली ये साल वो सही टाइम नहीं था जी या आई एम वेरी सैड क्योंकि मैं कल शाम को ही उनको मिली थी एंड मैंने उनको देख के भी बोला मैंने उनसे पूछा आपकी मॉम कैसी है उन्होंने बोला कांक्षा बिल्कुल ठीक नहीं है उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और काफ़ी बुझी सी लग रही थी मैंने उन्हें भी बोला आप प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें देख के मुझे लग रहा था कि वो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं गिवअप कर दिया है उनकी मॉम की हेल्थ को लेकर एंड आई थिंक 2 घंटे बाद ही मैंने वो न्यूज़ सुनी कि शी इज़ नो मोर मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं बस 2 घंटे पहले ही उनसे मिली थी एंड बट राखी बहुत स्ट्रांग है इतना कुछ चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में आई थिंक somebody as strong as राखी ओनली कैन टेक इट सो वेल सो जस्ट गॉड ब्लेस हर एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस आंटी का बस राखी स्ट्रांग रहे मैं यही चाहती हूँ जी उनके तो सारे गाने अच्छे होते ही हैं एंड आई लव व्हाटएवर ही डज एंड उनका एक स्वैग ही अलग है जो कोई मैच नहीं कर सकता आफ्टर ऑल किंग इज अ किंग सो मीका सिंह इज अ किंग एंड उनकी आवाज में वो बात है जो सबको घायल कर देती है डेफिनेटली बिकॉज एक रियलिटी शो जो स्वयंवर था वो मैंने जीता है उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि डेफिनेटली एक रियलिटी मैं कर सकती हूँ यू विल फॉर श्योर व्हाट इट विल बी अब कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैंने वो माई टैलेंट इज़ अप्रिशिएटेड आई फील हैप्पी लकी एंड ब्लेस्ड आज बहुत ही अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है मोस्ट स्टाइलिश एक्टर ऑफ द ईयर So I want to thank Panache Image Awards for the honor.
इफ दे थिंक दैट आई एम स्टाइलिश बिकॉज मैं कुछ भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता, जो भी जिस चीज़ में कंफर्टेबल होता हूँ वो पहन के आ जाता हूँ. विशाल कपूर इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. आई वुड जस्ट वांट टू थैंक हिज कंपनी पनाश एंड एवरीवन रिलेटेड टू हिज कंपनी फॉर द ऑनर्स. ट्वेंटी थ्री में मैं तो कुछ सरप्राइज नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 23 मुझे सरप्राइज कर दे. सॉरी नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. नहीं. No, no one, no one. No one, no one, no one. Are we going to see you in any of the reality shows? Maybe. Maybe this year, yes. Maybe. What will be? Maybe. Kuch bhi. I mean, bahut sare reality shows hai, sare achche hai. Are you thinking for any of the, like you want to do like just like Khatron, Chalak, many more are there? It all depends on the kind of monies they offer. Yeah. Any projects which are we going to see? I think I just have 3 more weeks to finish the shoot of Kundli Bhagya. And after that, let's see what life and what 2023 has in store for me. Would you like to say for Rakhi Sawant, today we have seen some of the videos. Yes, yes. All my condolences. She looks very, very hurt and... It's but obvious that, you know, she's lost her mother. So I just want to offer my condolences and I just want to pray that God, the Almighty, gives her and her family all the strength to cope up with the loss. Do you watch Pathaan? Yes, yes, yes. Oh, blockbuster. I'm a huge... Main King Khan ko dekhte dekhte bada hua hu. एज ए ह्यूमन बींग एज एन एक्टर आज मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ से मैं डायरेक्टली सेकेंड टाइम देखने जा रहा हूँ पठान. थैंक यू सो मच. थैंक यू. We having the 5th Panache Image Award by this evening and it was a wonderful full of the celebs over here and we had a wonderful experience. We had given them the Panache Image Awards for their achievements and the way they do appreciate their work and they present towards the industry is much appreciable. We are damn happy to with them. The dress code was like totally Bollywood. So जितने भी ये Bollywood के लिए ही है Panache Image Awards, तो उसी तरीके से सारे celebrities काफ़ी decked up होकर आए थे and we had a rocking evening. जो हमारा जो फेस ऑफ Panache हम जो हमेशा लॉन्च करते हैं तो ये हमारा 6th year था. हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को इंट्रोड्यूस किया है इस इंडस्ट्री में. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके लिए आगे की जो जर्नी हो वो काफ़ी वाइड हो, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और उन्हें काफ़ी कुछ काम मिले इस इंडस्ट्री से. येस वी हैविंग स्वाति राउत जो हमारी मिसेस की कैटेगरी में है. शी इज़ अ कॉप. एंड देन वी हैव क्वेल जी की ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी दुबे पांगे. And like more, there are like many brand ambassadors. हम काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में से उनके ऑडिशंस रखते हैं, उनको चूज़ करते हैं, उनके टैलेंट को जज करते हैं एंड वी चेक कि इनके अंदर कितनी क्षमता है उसको और कैसे निखारा जाए. उनको बारीकी से चूज़ करके और पॉलिश करके हम इनको लॉन्च करते हैं. Thank you so much. This look is going very much well with my brand Panache Runway, jiska logo hi aur Panache red color mein hai. So I have to represent my brand. हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा करते आए हैं, करते रहिए. Panache Image Awards को हमें और आगे लेकर जाना है, बट दिस इज ये जर्नी हमारी तभी होगी पूरी जब आप लोगों का साथ होगा. थैंक यू सो मच. एंड थैंक्स टू द मीडिया फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज. शी इज़ हियर.
एक मिनट वीडियो लेता हूँ, मैं हार जाता हूँ। The challenging face of the year goes to Twinkle Vashisht, and this is much deserving. My solo कर लो ना quickly. बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, और आई कैन नॉट वेट टू शो दिस टू माय मॉम एंड डैड। उनके चेहरे पे खुशी देख रही है, अपनी मेहनत का नतीजा, यू नो, सो आई एम वेरी हैप्पी। ये अवार्ड किस लिए मिला है कुछ बताना चाहिए? सो द अवार्ड इज चैलेंजिंग फेस ऑफ द ईयर। I didn't know कि मतलब you know this is a different award for me. ये मैंने expect तो बिल्कुल नहीं किया था, but when I saw the title जो मुझे award मिल रहा है, it was something new. Promising actor, good performer, but a challenging face. मेरी मम्मी को पता चलना चाहिए मेरा face challenging है mom. जो आप कहते हो ना मुझे बार बार बंदर लगती है मेरी छोटी सी, I am not. So वो है। शादी, अगर आपके अगर सीरियल के बारे में बात करें, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में, कौन सा नया ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेगा सर? ट्विस्ट एंड टर्न्स के बिना मेरा शो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे शादी में ट्विस्ट, कोर्ट में ट्विस्ट, जेल में ट्विस्ट, तो हम ट्विस्ट पे ही स्टोरीज बनाते हैं। ट्विस्ट बहुत सारे आने वाले हैं। मेजर तो ये कि मेरा जो करण भाई है वो लौट आया है अर्जुन बन के, और अभी किसी को पता नहीं है सिवाय राखी मामी के, तो अब वो ट्विस्ट बहुत जल्दी खुलने वाला है, जिसका पूरे जितने भी फैंस थे हमारे उनको वेट था, तो वो ट्विस्ट जल्दी खुलेगा। इसके अलावा आई थिंक मेरा शो नहीं होता ना तो ये आज दिन नहीं देखती मैं। आई थिंक आई वॉज एन एक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, 5 years नाउ, लेकिन कहते हैं ना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है जो आपका टैलेंट कोई ना भी देखना चाहे ना तो इग्नोर नहीं कर सकता, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कुंडली भाग्या थी। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एकता मैम, बालाजी, कुंडली भाग्या एंड मॉम डैड्स ब्लेसिंग्स। विल बी बॉस सीना पंगा फॉलो कर रही है, लास्ट 2 वीक रह चुका है, 5 कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं। बिग बॉस मैंने एक्चुअली कुछ टाइम के लिए फॉलो किया था, एंड वेरी ऑनेस्टली आई लाइक अब्दू द मोस्ट, बहुत प्यारा लगा था मुझे वो, एंड उसके बाद जो लोगों ने टॉक्सिसिटी फैलाई है ना शो में, आई कुड नॉट। मेरे अपने सीरियल में इतने ड्रामे होते हैं, बिग बॉस का ड्रामा, सो आई स्टॉप्ड वॉचिंग इट। अब्दू का जब हुआ था, मतलब ही वॉज एलिमिनेटेड, आई डिड फील बैड, ही वॉज माई फेवरेट, और बहुत प्यारे थे वो, सो आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड वॉचिंग, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। कैन यू सी यू इन एनी ऑफ द रियलिटी शो? बुला लो बिग बॉस वालों, बहुत बड़ी नौटंकी हूँ मैं। But yeah, I hope so. I really want to be a part of Big Boss, and that is something on my bucket list कि मुझे वो करना है। अगर वो होता है तो बहुत ही अच्छा। और इसके अलावा मैं इतना बोलूँ कि pray for me यार, हो जाए। You might see me doing more nautanki for real. So let's see. Thank you so much. चल मैं और one करूँ, मैं visuals please. मुझे थोड़ा श्रीनिवास आपको।
क्या रेडी तो उनको बुलाओ तो अवार्ड देते हुए विजुअल चाहिए बोलो चलो बैठ लो रोलिंग What you would like to say for today's award? I feel so blessed that people keep calling and giving some of the other awards, and I think they find me, significant and relevant for those awards. As it is for most sensational actress of the year, I think Tooz Akmal is doing wonders, and people are loving me there. Today you are looking so pretty. Tell us something about your look. It feels like we are seeing something in a fairy tale. Oh, thank you. I think I just chose this color metallic thing, and all the credit goes to my team. Actually, they do actually a lot of hard work, and they team up everything, and I just wear it. Well, 23 भी start हो चुका है. क्या कुछ नए projects आपके देखने मिलेंगे सभी को? Oh yes, yes. एक short film है जो मैं एक आधे दिन में करने वाली हूँ shoot. So that's there. And other things सभी होंगी release होंगी तो आपको पता चल जाएगा. Are you following Bigg Boss 16? No, no. Well, 2 weeks are will remaining. Is it? Yeah. And 5 contestants are there. Whom do you think can be the winner, the strongest contestant? Oh, I don't know, yaar. I actually don't know. But all the best to everyone who is playing good. इतने तक आप लोग पहुंचे हैं तो बहुत अच्छा ही आप लोगों ने किया होगा I'm sure. कोई एक contestant जिसका game आपको बहुत पसंद आया होगा? I have not seen. I'm really sorry for this. Well, साथ ही आज एक बहुत ही जल्दी खबर आई है राखी. Do you know राखी सावंत? What should I say? Yeah, we were there. अफसाना की शादी पे हम सब साथ में ही थे. We were dancing, having fun together. But मैंने उनको रात को फ़ोन किया था एंड फील सैड यार बहुत ही दुख होता है जब ऐसी खबर होती है एंड आई वांट हर टू स्टे स्ट्रांग शी इज़ अ स्ट्रांग गर्ल वी ऑल नो एंड जस्ट वांट हर टू बी स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर फॉर एवर क्या हम आपको कोई रियलिटी शो में देख सकते हैं क्या आप करना पसंद करती हैं आई डोंट नो मैं बिग बॉस भी नहीं करना चाहती थी बट मैंने कर लिया बट आई डोंट नो राइट नाउ हाउ द लाइफ फ्लोज यू नो दैट्स द बेटर वे आई थिंक एज ऑफ नाउ आई कांट से एनीथिंग लास्टली मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज लविंग मी गिविंग मी ऑल दीज अवार्ड्स दीज ऑल द अवार्ड्स आर फॉर यू गाइस थैंक यू Roll. It was what you would like to say about today's award as well as it what you all look at something very different thank you so much so meko best celebrity fashion stylist award mila hai to definitely mujhe bhi acha lagna hi tha aaj ke only but thank to vishal kapoor for this beautiful award receiving this for first time after 3 or 4 years of struggle yeah feeling good of course it's a nice award may the best always win so yeah I would like to congratulate all the participants jinhone kiya tha participate and of course the winner we cannot forget the face of panache Tell us something about your new edition for 2023. New edition for 2023. So we are coming with. चलो मैं अनाउंस करता हूँ सो आई हैव साइन 50 सॉन्ग्स फॉर द ईयर सो वी आर डूइंग 50 सॉन्ग्स एवरी मंथ वी डूइंग 5 सॉन्ग्स वन इज ऑलरेडी डन वी हैव डन विद निशांत मलकानी एंड इशिता एंड मैनी मोर्स टू कम तो आपको देखने को मिलेगा कुछ रियलिटी शोज भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे या 2023 फिलहाल तो बिग बॉस चल रहा है तो गौतम एक बार फिर एंटर हो रहा है जस्ट फॉर द ग्रैंड फिनाले तो उनको फिर से स्टाइल करने वाले हैं या गौतम हैव ऑलरेडी वेयर माई क्लॉथ इन द एंटायर सीजन नाउ At the end of the, of course, then he will gonna enter again. He will be wearing, of course, my clothes only. So yeah. Lastly, any message to all the viewers? All the very best, and ऐसे ही कम करते रहिए अच्छा लगता है यार. Thank you so much. Thank you. एक मिनट.